सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम भारतीय इतिहास के ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये वैसे प्रश्न हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे और वीडियोज़ हैं जिसमें हमने भारतीय इतिहास के प्रश्नों की चर्चा की है, आप उनको देखना चाहें तो हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? आज़ादी के बाद पहली बार भारत में आम चुनाव हुए 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक ये आम चुनाव भारत में कराए गए। और इन चुनावों की खास बात ये थी कि इसमें 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था, उन्होंने ही मताधिकार का प्रयोग किया जो 21 वर्ष से ऊपर के थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस राष्ट्रवादी नेता ने अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण को निकास सिद्धांत कहा था? तो इसका जवाब है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में उन्होंने ये सिद्धांत दिया जिसका नाम था धन के निकास का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। इसमें उन्होंने पहली बार कहा कि भारत से धन को अंग्रेज विदेशों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका जवाब है राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने ही अपने सहयोगी बरकतुल्ला के सहयोग से 1915 में काबुल में अस्थायी सरकार का निर्माण कराया था जिसमें वो राष्ट्रपति खुद बने और बरकतुल्ला महोदय उसमें बने थे प्रधानमंत्री। इस सरकार को जर्मनी और रूस की सरकारों ने मान्यता प्रदान कर दी थी और इस तरह से काबुल में एक अंतरिम सरकार अस्थायी सरकार बनाई गई थी 1915 में। और चौथा क्वेश्चन हमारा है, 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु क्या तय की गई थी? अजमेर के प्रसिद्ध डॉक्टर हरविलास शारदा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका काम था कि लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु तय करना। उसने लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष उम्र तय किया शादी करने के लिए। हमारा पांचवा क्वेश्चन आज का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जिस समय भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना की गई थी उस समय इसके वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व कौन किया? तो इसका जवाब है जयपाल। पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल ने महमूद गजनवी को हराने के लिए जो ग्रुप बना, जो गुट बना, उसका नेतृत्व किया इन्होंने। और जब इस संघ की पराजय हो गई तो जयपाल ने आत्महत्या कर ली, वो इस अपमान को नहीं सह सका। तो ये हमारा आंसर हो गया जयपाल। दूसरा है, एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसमें ध्यान थोड़ा देना होगा आपको कि इस जाति का सबसे पहला उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, लेकिन जाति के रूप में इसकी पहली व्याख्या ओष्णम स्मृति में आती है। यहाँ ध्यान देने की बात है ये कि सबसे पहला उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, लेकिन जाति के रूप में ओष्णम स्मृति में इसकी चर्चा पहली बार होती है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? तो अफ्रीका से आए हुए इब्न बतूता थे जो 1333 ईस्वी में भारत पहुँचे, और यहाँ आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली काजी बना दिया था और दिल्ली के काजी के तौर पर इन्होंने काम किया। एग्ज़ाम में कभी कभी आते हैं क्वेश्चन कि कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली के काजी के पद पर रहा था, तो वहाँ भी आंसर आपका होगा इब्न बतूता। और 1342 ईस्वी में सुल्तान के राजदूत के रूप में ये चीनी नरेश तोगन तिमूर के यहाँ ये भेजे गए और वहाँ बतौर राजदूत ये प्रस्तुत हुए। हमारा नौवां क्वेश्चन है, पैगंबर का सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। खुसरो शाह चूँकि कन्वर्टेड मुस्लिम थे, हिंदू से मुसलमान बने थे, इसलिए इन्होंने पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण की और इनके विरुद्ध नारे लगाए गए
इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु, इनको कह करके इनके खिलाफ नारे लगाए गए। पाँच दसवां और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी ने गुलरुखी के नाम से फारसी काव्य की रचना की थी और उन्होंने कविताओं को लिखा था। तो इस तरह ये 10 क्वेश्चन का ऐसा सेट है जो वैसे क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से, जो एग्ज़ाम में 12 बार पूछे गए हैं। तो आप इनको एक बार ध्यान से देखिएगा और इनके बीच बीच में जो चर्चा हमने की, व्याख्या की, वहाँ भी कई क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको ध्यान देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, अगर इतिहास से उसमें क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, आपको मिलेंगे उसमें, कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इसको देखें, इसका लाभ लें और हमारे अगले वीडियो का वेट करें। हम रोज़ ऐसा वीडियो आपको दिया करेंगे ताकि आपका पूरा एक रिवीजन हो जाए, आपको एक ऐसा सेट मिले प्रैक्टिस के लिए जिसमें आप आराम से अपने रिवाइज़ कर सकें जो पढ़ा आपने उसको, और उसमें कुछ बीच बीच से व्याख्या के दौरान ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो प्राय एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।